हाँ तो देखो, ये बीआरसी स्टूडियो के माध्यम से आप तक ये गीत पहुंचा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस गीत को आप पसंद करेंगे। पसंद करके हमें कमेंट जरूर करें। दर्शकों से, श्रोताओं से इतना निवेदन है। और आज के वादक कलाकार हमारे भाई मुकेश नादान जी जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं और बेंजो पर साथ दे रहे हैं, हमारे भाई जितेंद्र सोजना से हैं, पेट पर साथ दे रहे हैं हमारे भाई रूपेश जी जो युवा हैं और अच्छा पेट बजा रहे हैं, और हमारी सहगायिका सम्मानिया सविता राज जी जो बड़ी ही कोकिल कंठी हैं और जो गीतों की रचना जिनके हम गीत गा रहे हैं, हमारे भाई सम्मानिय कवि महोदय राकेश रसिया जी। तो सुने इस गीत को, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसे शायद ही पसंद करें, शायद पसंद करेंगे। लीजिए सुने, देखिए, ये राष्ट्रीय त्योहार आ रहा है, इस पर एक रचना की है, ये मेरे स्वयं की रचना है, और जो भी गलतियां हो क्षमा करेंगे, और क्षमा नहीं, हमें आशा है कि आप जो भी हमारी कमी होगी उसमें हमें सुधार करने की, समीक्षा करने का सुझाव देंगे। सुने आप, हम और चीन से भी के वो है, पाकिस्तान से भी के वो है, कि जो हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहो, 61-62 को नहीं रहो, और पाकिस्तान तू भी सुन ले, कहना है वो उन फिरंगियों से। अरे सुन रे फिरंगी जाओ, अरे सुन रे फिरंगी जाओ, अब जो करो वो पाओ, सो हमने डंडा उठाओ, राम धई हाय हाय, हमने डंडा उठाओ, राम धई, हमने डंडा उठाओ, राम धई, ए हमने डंडा उठाओ, राम धई। अब जो देश भारत वर्ष हिंदुस्तान, ये वो देश नहीं रहा, आज प्रगतिशील है, विकासशील है, इसलिए कहना, पशु त्वचा सम भूमि मांगी, दे दे बचन सो हो गए राजी, पशु त्वचा सम भूमि मांगी, दे दे बचन सो हो गए राजी। और जब हमसे पशु की त्वचा के बराबर तुम लोगों ने जगह मांगी थी, हमने वचन दिया, दे दिया, लेकिन तुम लोगों ने गुस्ताखी की, क्या की? अरे तेने धागा बनाओ, ऐसो सोचो उपाओ, अपनो कब्जा जमाओ, राम भई हाय हाय, अपनो कब्जा जमाओ, राम भई, सविता जी विडंबना देखिए आप, क्या है विडंबना रसिया जी? देश हमारो हम पे था कि जे अपने कानून बना के, देश हमारो हम पे था कि जे अपने कानून बना के, तो अरे हमने जलाई तिठान, हमारे क्रांतिकारियों ने भले ही जान की आहुतियां दे दी है, लेकिन ठान ली थी, अरे हमने जलाई ती, हमने जलाई तिठान, भगा दे बेईमान, कितनों तुम्हें मनाओ, राम भई, भैया
पहले कह दी कि भैया जाओ हमारे देश से, लेकिन नहीं मान रहे थे तो सो हमने डंडा उठाओ राम भई है, है। सविता जी बोलिए। अरे डाली फूट लूट के लाने, सीधे साधे हम का जाने। अपन नहीं समझ रहे थे, बिल्कुल सही बात अपने है। बुजुर्ग नहीं जानते, अपने क्रांतिकारी नहीं जानते के भाई अपन तो हिंदुस्तानी है यार, स्वाभिमानी होते हैं, जो कह दिया तो दे दिया। अरे डाली फूट लूट के लाने, सीधे साधे हम का जाने, सीधे साधे हम का जाने। तो अरे बन गा तो तोर पाल, मतलब हमने वचन दे दो कि पशु त्वचा सम भूमि मांगी है हमने दी, लेकिन तूने उसका धागा बनाया, रेशा बनाया और बहुत सारी जमीन हड़प ली हमारी। लेकिन अरे बन गो तो तोर पाल, अब तो टोर दे खाल। तो पहले का हिंदुस्तान मत समझना फिरंगी। अरे बन गो तो तोर पाल, अब तो टोर दे खाल, हमने साधन जुटाओ राम दई, हमने साधन जुटाओ राम दई। मुकेश भाई, मैं जो समाज के लिए बंटवारा करते हैं उनसे मैं सख्त नफरत करता हूँ। पहले भी ये चला है क्या, जो वो फिरंगी आए थे उन्होंने भी फूट डाली थी, वो आज के जो समाज के बंटवारा करने वाले हैं उनसे मैं आज भी नफरत करता हूँ, चाहे मेरे सीने पे गोली क्यों ना चल जाए। क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेने फूट डालना पाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेने फूट डालना पाई। तो मेरी तरफ से कहना है, अरे लखन लाल बाल पाल, भारत भूमि विशाल। रसिया जी कभी कभी लिख देता हूं, अरे लखन लाल बाल पाल, भारत भूमि विशाल। ए फिरंगी सुन, तो अपनी खटिया उठाओ राम भई, अपनी खटिया उठाओ राम भई, और जब नहीं उठाओ तो सविता जी बोलो, अरे हमने सुन रे फिरंगी जाओ, सुन रे फिरंगी जाओ, अब जो करे वो पाओ, हमने डंडा उठाओ राम दई है, हमने डंडा उठाओ राम दई है, हमने डंडा उठाओ राम दई है, हमने डंडा उठाओ राम दई है।